वेलकम टू दिस चैनल गाइस। आइए जानते हैं, अभी आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, जो भी कर्माज आप फेस कर रहे हो, जो भी टॉक्सिसिटी आप फेस कर रहे हो, आइए जानते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में क्यों आए, ऐसा क्या रीज़न था कि आपको डिवाइन ने इस रिलेशनशिप में डाला है एंड आपको ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ रहा है अपने इस रिलेशनशिप में। आइए जानते हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आप इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। आइए जानते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में क्यों आए। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया हुआ है 8 of Cups, सेकेंड कार्ड आपके लिए आया हुआ है 7 of Pentacles, थर्ड कार्ड आपके लिए आया हुआ है 10 of Cups। ठीक, देखिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया हुआ है 8 of Cups। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा ही आपका जो बिहेवियर है ये बहुत इमोशनल है और डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने इस साइड पर वर्क करें। आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल बनाने के लिए डिवाइन चाहते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल डिवाइन बनाना चाहते हैं, इसीलिए आपको इस रिलेशनशिप में लाया गया है। अभी जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है ताकि आप इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग बन पाओ, काफ़ी स्ट्रेंथफुल आप बन पाओ। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया हुआ है 7 of Pentacles। यहाँ पर आपको फाइनेंशियली कह सकते हो या एक अबंडेंट पर्सन बनाने के लिए भी डिवाइन कहीं ना कहीं जोर दे रहे हैं और डिवाइन का ऐसा मानना है कि जब तक आप सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे या अपने दम पे कुछ नहीं करोगे तब तक के आप अपने लिए कुछ स्टैंड नहीं ले पाओगे। तो आपको इसीलिए इस दौर से गुजारा जा रहा है ताकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाओ और इसके बाद में आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चला पाओ। एंड लास्ट कार्ड आपके लिए आया हुआ है 10 of Cups। अगर आप इमोशनली काफ़ी स्टेबल एंड बैलेंस हो जाओगे, फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल एंड बैलेंस और सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओगे तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। तो इसीलिए जो डिवाइन है इन्होंने आपको इस सिचुएशन में डाला हुआ है या अभी आपके ये कार्मिक टर्म्स चल रहे हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया गाइस तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।